धर्म यात्रा महासंघ का ऐलान, अयोध्या से जनकपुर तक निकलेगी राम जानकी विवाह बारात। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महिला 27 साल बाद ग्रहण करेंगी अन्न। हैदराबाद के काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर आई दो ट्रेनें टक्कर में 30 से ज्यादा लोग घायल। यूपी में सोशल मीडिया पर अयोध्या मामले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 77 गिरफ्तार। अजय देवगन की 100वीं फिल्म है तानाजी, इस खास उपलब्धि पर शाहरुख खान ने दी ऐसे बधाई। अयोध्या विवाद में फैसला आने के बाद अब अलग अलग संगठनों की तरफ से कई तरह के कार्यक्रमों की घोषणाएं की जा रही हैं। इस क्रम में धर्म यात्रा महासंघ ने 20 नवंबर से राम जानकी विवाह बारात निकालने का ऐलान किया है। धर्म यात्रा महासंघ के मुताबिक यात्रा 20 नवंबर से अयोध्या से निकलकर जनकपुर तक जाएगी और 4 दिसंबर तक फिर से अयोध्या लौटेगी। विश्व हिंदी परिषद से जुड़े संत और धर्माचार्य इस यात्रा की कमान संभालेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। इस बारात के दौरान सीएम योगी का 2 दिन जनकपुर में रुकने का कार्यक्रम है। अयोध्या से जनकपुर जाने वाली इस यात्रा में 2 रथ बनाए जाएंगे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जबलपुर शहर की 81 वर्षीय महिला 27 साल बाद अन्न ग्रहण करेंगी। इतने दिनों से वो केवल दूध और फलाहार के सहारे थी। राम जन्मभूमि विवाद का समाधान होने तक महिला ने अन्न ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिया था। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब उनका उपवास तोड़ने के लिए जल्द ही एक उद्यापन किया जाएगा। हैदराबाद के काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह 2 ट्रेनों के टकरा जाने से 30 से अधिक लोगों को चोटें आई। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार MMTS ट्रेन कोंगू एक्सप्रेस से टकरा गई, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। स्टेशन करीब होने के कारण ट्रेन धीरे चल रही थी। अगर ट्रेन तेज होती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक कथित तौर पर सिग्नल में खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के कारण कई ट्रेन सेवाओं के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। रेलवे अधिकारी कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की प्रक्रिया में हैं। घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किए आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस ने कहा कि 34 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फैसले आने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि वो सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। अजय देवगन की आने वाली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर उनके करियर की 100वीं फिल्म है। अजय देवगन ने साल 1991 में फूल और कांटे से अपने करियर की शुरुआत की थी। अजय देवगन की इस उपलब्धि में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने उन्हें बधाई दी है। शाहरुख अजय देवगन को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और उन्होंने अजय देवगन के लिए बढ़िया सा संदेश भी लिखा है। शाहरुख खान ने अजय देवगन की 100वीं मूवी का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दोस्त अजय देवगन के आगे और 100 फिल्मों को लेकर आशान्वित हूँ। एक ही साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवारी कर आप काफी लंबी दूरी तय कर चुके हैं। आगे बढ़ते रहें। तानाजी फिल्म के लिए शुभकामनाएं।